ये है जीरा, ये तो जीरा बहुत। ये है मूंग की दाल है, हरी वाली मूंग की दाल, जो छिलके वाली आती है ना हरी वाली मूंग की दाल, वो है। तो मैंने इसको पहले अच्छे से साफ करके धो के और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था पानी में डाल के। अब फिर उसके बाद मैंने सिलवट्टे में पीस लिया था। अब मैंने पीसते नहीं दिखाया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बच्चे सारे ट्यूशन चले गए थे। तो मैंने ये पीस के और इसको दाल का मैंने थोड़ी निकाल ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा, इतने तो बच्चे खा भी लेंगे। खाने के लिए बना रही हूँ, सूखा मतलब ऐसे खा सकते, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इसी में क्या क्या मैंने काट के रखा था, पहले प्याज मैंने ले लिया था, प्याज काट ही लिया, हरी मिर्च काट लिया, धनिया काट लिया, हरी धनिया, और यही मिक्स करते हैं, ज़्यादा और कुछ तो नहीं मिक्स होता इसे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसी में बस नमक डालूँगी, नमक थोड़ी सी पीसी मिर्ची डाल दूँगी और सूखी थोड़ी धनिया डाल दूँगी, इसी में मिक्स कर दूँगी। तो ये देख लीजिए मैंने डाल रही, थोड़ा थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले से डाल रखा है, तो हरी मिर्च वैसे भी तीत होती है, ज़्यादा तीत भी नहीं बनाना। और इधर मैंने तेल चढ़ा दिया, तो मेरा तेल हो गया गरम। तो मैं अब इसमें मैं पकौड़ी निकालूँगी। अब मैं पकौड़ी बना रही हूँ, इधर मुंगौड़े पकौड़ी, दाल की पकौड़ी बोलो, मुंगौड़े बोलो। तो मैं ऐसे निकाल लूँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, क्योंकि जितने मैंने बनाया था बच्चों ने तो पहले ही मेरे मांग रहे थे खाने के लिए। ये चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, ये देखो ऐसे अच्छे अच्छे बनते हैं ना, फूले फूले से। अभी फूले बन काफ़ी देर से मैंने पीस के रख दिया था ना, 1-2 घंटा फ्रिज में रखा था, उससे दाल थोड़ी अच्छी सी फूल गई थी, तो अब फूले फूले बन रहे हैं, ये देखो। मैं ऐसे ही सारे मुंगौड़न को निकाल लेती हूँ और इधर बच्चे ऊपर मेरे बैठे, आप जानते हैं कितनी ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो मैं यहाँ पर सारा रूम में भी उठा ली थी गैस, गैस उठा लाती हूँ शाम को टाइम, आराम से हीटर इधर जलता रहता है, इधर आराम से ना ठंडे लगती है ना कुछ, और हम बैठ के बनाती रहो जितना मर्जी खाना बनवा लो, लेकिन हाँ थोड़ा खुला खुला जगह में बनाने में अच्छा लगता है। तो मैं इसे दोबारा से फिर निकाल लूँगी। अब ये मैं, वो तो मेरे मुंगौड़े बन चुके हैं, अब ये मैं दूसरी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो दाल मैंने थोड़ी मूंग की ली थी, और ये है उड़द की दाल, उड़द की दाल मैंने पीस के रख लिया था, और उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब शाम को बना लेती हूँ। तो ये उड़द की दाल और थोड़ी मूंग की दाल मैंने इसी में मिक्स कर दिया। तो इसमें मसाले में अब डाल देती हूँ, नमक, लाल मिर्च, धनिया थोड़ी सी डाल दूँगी, और थोड़े से लाल मिर्च मैंने डाल दिया था, हाँ बस इसी को 3-4 चीज़ मिक्स करके बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो मैंने काट रखा ना धनिया, हरी मिर्च, इसमें प्याज नहीं डालूँगी, हरी मिर्च धनिया ही डालूँगी क्योंकि प्याज इसमें मट्ठा में डालूँगी ना, मेरे पास मट्ठा रखा है। अगर आपके पास मट्ठा नहीं है, दही है, तो दही मिक्स करके दही से और अच्छे से लस्सी बना लीजिए, दही की लस्सी बना के उसी में मतलब डाल सकते हैं। तो ये मैं इधर में तेल तो इसे गर्म था, और मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया, और इधर मैं हाथ से बना रही हूँ पानी लगा के, और इसको अच्छे से मतलब पतला पतला बनाना है, और बीच में छेद कर देना है। तो ये बनेगा बड़ा, बड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसी में मैंने धनिया हरी मिर्च मिक्स कर दिया था दोबारा से, मैंने जो काट के रखा था ना धनिया हरी मिर्च वही मिक्स करा था। ये दिखा रहे हैं बहुत आसानी से बन जाता है, और अच्छे से फूले फूले बन रहे थे बड़ा मेरे, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और इधर देखो मैंने मुंगौड़े मेरे रख के निकाल के रख दिया एक सेट, और इधर एक सेट में बड़ा बना रही हूँ, और मैंने मुझे भी खाना बनाना है। उधर देखो आटा मेरा गूंदा रखा है, तो ये देखो फूले फूले बन रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, और कुछ सूखा भी ऐसे ही भी खा सकते हैं,
तो मैं मेरे पास ये मट्ठा रखा है, तो मैं इसी में मट्ठे में डालूंगी और रात भर इसी डाल के मैं रख दूंगी, छोड़ दूंगी। फिर सुबह जाकर हम लोग खाएंगे निकाल के, बहुत अच्छा लगता खाने में। सब सब देखो कितना बने ना अच्छे अच्छे मतलब फूले फूले बन रहे हैं भरा मेरे। इधर मैं बना रही हूँ, शाम के टाइम बना रही हूँ, 8 बज चुके थे अभी, मुझे रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा पहले इसका काम ख़त्म कर देती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो इधर काफ़ी सारा हाथ, अगर पानी नहीं लगाओगे तो हाथ में चिपकेगा फिर तो टूट जाएंगे। फिर आइए, मेरे पास दही है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया मैंने, और इसमें मैंने क्या क्या ले लिया मसाले में। तो मैं एक जीरा मैंने पहले भूंज के और इसमें पिगड़ा मैं पीस लिया था, और इसे काला नमक है और काला नमक, थोड़ा चिट्टा नमक और पीसी मिर्ची, बस यही मिक्स कर दूंगी। यह है मतलब मट्ठा वाली लस्सी है, तो इसमें मिक्स करके जो मैंने इधर बड़े बनाए थे ना वो मैं डाल दूंगी, इसी में भिजो दूंगी। बड़े बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब बने थे, तो बहुत अच्छे बने थे, फूले फूले बने थे। तो मैं इसी में डाल दूंगी, जितने बड़े हैं ना थोड़े निकाल लूँगी खाने के लिए सूखे, और इसी में डाल दूंगी। और रात भर के लिए मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि रात भर इसे भिजता रहेगा ना, ही फ्रिज में रखूँगी, बाहर रख दूंगी इसके ढक के। तो रात के जो रात भर ऐसे रखे, रात भर में भीग जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लगेंगे। फिर जब सुबह खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता खाने में, और हमारी मम्मी जो बनाती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मम्मी की तो बात ही होती है भाई। तो मैंने यहाँ पर अभी रोटी बनानी है, अभी रोटी नहीं बनाई मैंने। इधर चावल तो मैंने पहले तो उबाल के रख दिया था, तो मेरा बन चुका। अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेलकम की दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक बाय।